हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन। ये हमारा लेक्चर 9th क्लास का ही है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ मोशन। तो हेडिंग डालिए बेटा, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, मोशन के टाइप कितने हैं? तो बेटा मोशन के दो टाइप हैं। मोशन के बेसिकली वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अभी हम टाइप पढ़ रहे हैं। मोशन के दो टाइप हैं। एक जो टाइप है उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा रहेगा हमारा वो रहेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो टाइप से हमने इसको क्लासिफाइड किया है। पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, किसको बोलेंगे? सुपोज करते हैं, देखिए मान लेते हैं अपने पास क्या है बेटा, एक कार है। ठीक है, ये अपने पास एक कार है। ये कार हमने स्टॉप वॉच नोट की और स्टॉप वॉच से देखा कि हर एक सेकंड के बाद जो इंटरवल है, जो चेंज होने का इंटरवल है, वो क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स। चेंज होने का, इसकी स्पीड के चेंज होने का, यानी कि जो इसकी स्पीड है उसकी चेंज होने का इंटरवल जो है वो क्या है बेटा? फिक्स है। जैसे एक सेकंड में देखा मैंने, एक सेकंड के अंदर जब इसको चेक किया तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। मतलब इसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में देखा तो अगले पॉइंट से ये कितनी जा चुकी थी? 10 मीटर पर सेकेंड पे। यानी कि देखिए एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ी? 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी में 10 मीटर, यानी कि 2 सेकंड के बाद चेक किया तो कितना हुआ? 10 मीटर। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और एक था 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 5 मीटर। यानी कि इंटरवल जो है, जो चेंज होने का इंटरवल है, वो क्या है बेटा? फिक्स है। अगर वो फिक्स है, उस टाइप का अगर मोशन हो, यानी कि अगर उस टाइप का मोशन हो, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, लिख लेता हूं मैं यहां पे, इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या ले लेते हैं बेटा? इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और इस एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं? टाइम। देखिए पहली एक सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरी सेकंड में कितना गया? 10 मीटर। पहली एक सेकंड में 5 मीटर, तो मैंने यहां पे लिखा ओरिजिन। ओरिजिन जब जीरो टाइम था तो ये भी जीरो पे था, जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की। जब ये एक सेकंड हुई तो ये कितने पे चला गया बेटा? 5 पे चला गया। जब ये 2 सेकंड हुई तो कितने पे चला गया बेटा? ये 10 पे। जब ये 3 सेकंड हुई, ये 2 और ये 3, तो ये कितने पे चला गया बेटा? 15 पे। यानी कि देखिए 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, ऐसे ही जा रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं ऐसे ऐसे। इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं हम? ऐसे, ये पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को क्या कर देंगे यहां ओरिजिन से? ऐसे मिला देंगे। तो ये ग्राफ किसका आ गया हमारा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसको हम एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सटी ग्राफ। तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा उसका जिक्र और कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट है। ठीक, इसका अपोजिट कौन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपोजिट कैसे है? तो देखिए, व्हेन, इसकी डेफिनेशन आप, मैं बोल रहा हूं तो राइट कर लेना, ठीक है, लिखिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा? एग्जाम्पल सुनिए, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसे होगा, आप सोच रहे होगे। देखिए, मैंने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मैंने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया। मान लो ये कोई हाइट यहां से ड्रॉप किया, इस बिल्डिंग से, ठीक है, इस बिल्डिंग से मैंने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब क्या होगा, इनिशियल में ये बॉल थोड़ा सा नीचे आराम से जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो हो सकता है ये यहां पे पहुंचे, इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, सिर्फ इतना डीएक्स। अब ग्रेविटी क्या कर रही है, ये जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी कहां फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। अर्थ कहां खींच रही है बॉल को, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस भी क्या करेगी, ज्यादा ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी तो फिर आपको देखेगा इतना होगा। अब देखिए, डिस्टेंस बढ़ गया, अब देखोगे आप इतना डिस्टेंस बढ़ गया, और एटलीस्ट ये नीचे आ जाएगी। मेरे को यहां बनाना चाहिए इसको नीचे, मतलब बिल्कुल ये ऐसे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। देखिए, पहले छोटा डिस्टेंस, फिर बड़ा डिस्टेंस, फिर बड़ा डिस्टेंस, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। लेकिन टाइम तो वही लग रहा है, एक एक सेकंड के साथ में चल रहा है, टाइम की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, यानी कि ग्राफ, तो ग्राफ इसका बनेगा ऐसा, ऐसा। जीरो था तो ये भी जीरो पे था, यहां पे आपने डिस्टेंस शो करना है, और यहां पे आपने किसको शो करना है, टाइम को शो करना है। अब देखिए, टाइम तो वैसे ही एक 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 ऐसे इंटरवल फिक्स है, टाइम के इंटरवल। लेकिन यहां पे देखोगे, जब जीरो था, जीरो है तो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये पॉइंट आ गया बेटा, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये डिस्टेंस इतनी आ गई, और देखिए ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जा रही है। अब यहां देखोगे तो और डिस्टेंस बढ़ गई, फिर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो और डिस्टेंस बढ़ गई। तो ऐसे आप देखते जाओगे, देखिए पहले डिस्टेंस इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर इतना। यहां पे भी तो ऐसे हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है। अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स है, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो टाइप का मोशन होता है, टाइप्स ऑफ मोशन टू टाइप का होता है। पहला मोशन कौन सा होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा कौन सा होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या बताया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और उसमें बताया कि एक हमने एग्जांपल लिया, हर एक सेकंड के बाद वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, यहाँ पे भी वैसा ही हम काम कर रहे हैं। दूसरे टाइप का मोशन हमने पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, व्हेन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसका एग्जांपल बेटा आपके सामने है, ये फ्री फॉलिंग बॉल व्हेन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट देन बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर हो जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इतनी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर से वही बात कह रहा हूं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, यही एक आसान मेथड होता है आगे निकलने के लिए। किस लिए? जो आपको करवाया जाता है वो साथ साथ में आपको डेली होमवर्क करना होता है। अगर आप डेली
का होमवर्क डेली करते हैं तो आपको बर्डन फील नहीं होगा, आपको जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं वो आपको पूरी लाइफ में काम आएंगे। ओके, थैंक यू।